अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? आज के दिन के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत खुशकिस्मत है वो कौम है जो अपने लीडरान का या अपने जो फाउंडर्स हैं उनका दिन याद रखती है, उनकी खुशी में शामिल होती है। अच्छा, अब हम दिन तो बड़ा भरपूर तरीके से मनाते हैं लेकिन उनका जो मैसेज है उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन माकम, ये सारे वो सुतून हैं जो कायद आज़म ने हमें दिए लेकिन हम इन सुतूनों से बहुत दूर हैं। मेरा इस कौम को मैसेज है इस आज के दिन के हवाले से, कायद आज़म के हवाले से, कि खुदारा इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करें। हम कोई दूर नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कामयाब तरक्की याफ्ता कौमें बन जाएंगे। अगर हमने इन उसूलों को अपना लिया तो बहुत बेहतरीन हमें कौम शामिल हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान की आवाम के लिए सिर्फ ये मैसेज है कि कायद आज़म के उसूलों को अपनाएं, कायद आज़म के उसूलों को अपनाएं और कायद आज़म के उसूलों को अपनाएं। इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने अभी हमें बताया कि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हमारे यूथ हैं जिनको इस जगह का नहीं पता और हम मौजूद हैं इस वक्त कायद आज़म बर्थ प्लेस जो कि खारादर में मौजूद है। चले बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इस चीज़ की, इस घर की इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मुनीब मुझे बताएं कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उसे नहीं पता कि ये जो जगह है ये कायदे आज़म की बर्थ प्लेस है और जो जिन लोगों को पता है वो आज तक अंदर आए नहीं हैं, उन्होंने देखा नहीं है, तो आप इसकी परमिशन देते हैं? हाँ बिल्कुल परमिशन देते हैं। लोगों का जो कॉन्सेप्ट वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई टिकट्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरी पर्सन आ सकता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो MNA हो, MPAs हो, VIPs हो, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पे तमाम लोग VIPs हैं, चाहे वो एक आम आदमी हो चाहे वो जनरल। कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि कायदे आज़म के इस दुनिया से पर्दा करने के बाद, जान चले जाने के बाद, रुखसत कर जाने के बाद, ये जगह अगर कोई भी बाहर से आता है तो एज़ आ गेस्ट आ रहा है, एज़ आ मेहमान आ रहा है और ये जगह कोई म्यूज़ियम की तरह नहीं है कि आपने यहाँ पर आना है, आपने यहाँ टिकट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, जो कि मुनीर साहब ने हमें भी परमिशन दी और हम अपने कैमरे के तवस्सुत से आप लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ, अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाएँ, यहाँ उनकी लाइफ कायद, हमारे कायद का लाइफ स्टाइल उनको दिखाएँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, उनका फर्नीचर है, जिस रूम में कायदे आज़म की बर्थ हुई है, जिस रूम में, जिस बेड पर उन्होंने जन्म लिया है, वो भी यहाँ मौजूद है और इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखकर मुतासिर होंगे, आपके बच्चे मुतासिर होंगे और आपको और आपके बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे कायद के कितने यहाँ फर्नीचर मौजूद है। तो मैं ख़ुद पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा यहाँ आएँ मौजूद और अपने बच्चों को भी यहाँ पर दिखाएँ, उनके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।